एक वीडियो पोस्ट करके कमाल आर खान ने साफ कह दिया है कि वो सलमान खान से माफी नहीं मांगेंगे। उन्हें इंडस्ट्री के लोगों का सपोर्ट मिला है। केआरके ने अपने नए ट्वीट में लिखा, 20 से ज्यादा बॉलीवुड के लोगों ने मुझे सपोर्ट करने के लिए फोन किया। उन्होंने कहा कि जो भी मैंने किया है उसे वो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो सलमान खान से सीधे पंगा लेने को तैयार नहीं है। वो सलमान खान को अपना दुश्मन बनाने से डरते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। दूसरे ट्वीट में केआरके ने बताया कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मामले का जो भी नतीजा निकले, लेकिन वो उन सभी लोगों के लिए लड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग मुझसे निराश हो। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। कमाल आर खान ने मशहूर सिंगर मीका सिंह पर पर्सनल अटैक करते हुए ट्वीट कर लिखा, कल मैं एक लुक्खे सिंगर का भी रिव्यू करूंगा जो नाक से गाता है। इसके बाद मीका भी चुप नहीं रहे। उन्होंने केआरके को खरी खोटी सुनाते हुए ट्विटर पर लिखा, हाँ हाँ बेटा तुम कौन हो, ये तुम्हारे पापा जी हैं। हम नाक से गाकर नाक में दम करते हैं। आप कहाँ से बोलते हो यार, वो जगह बताओ, क्योंकि आपकी आवाज में ही बहुत बदबू आती है। लव यू माई बेबी। क्या कटरीना कैफ की वजह से कार्तिक आर्यन ने छोड़ दी शाहरुख खान के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म फ्रेडी? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक फ्रेडी में कटरीना की कास्टिंग से खुश नहीं थे। रिपोर्टेडली कार्तिक को ऐसी फीलिंग आई कि क्योंकि फ्रेडी एक लव स्टोरी है, इसलिए पर्दे पर कटरीना कार्तिक से उम्र में बड़ी दिखेंगी। हालांकि अब तक ये तो सिर्फ रिपोर्ट्स है जिसको बॉलीवुड नाउ कंफर्म नहीं करता। टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती 2 में भिड़ेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। खबर है कि फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलन का किरदार निभाते हुए दिखेंगे। डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 की शूटिंग के लिए सेट पर बतौर गेस्ट मौजूद रहे सुनील शेट्टी ने अपनी पत्नी माना के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, कई सारे यादें ताजा हो गई है, यकीन नहीं आता। हमें साथ हुए शायद करीब 40 साल हो गए हैं, 9 साल एक दूसरे को देखते हुए, और इस बार 30 साल शादी के हो गए। सुनील शेट्टी ने अपनी पत्नी माना की तारीफ में कहा है कि इंडस्ट्री में रहकर फैमिली लाइफ को बैलेंस करना और काम काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अगर आपके पास एक ऐसा पार्टनर हो जो स्ट्रांग हो और जिसका आप पर 100% विश्वास हो, माना को मेरा सलाम। घुटनों के बल बैठकर कार्तिक आर्यन ने किया अपनी एक फीमेल फैन के हाथों को किस। इस वायरल वीडियो को खुद कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है और कैप्शन के जरिए इसे अपना फैनसेप्शन मोमेंट बताया है। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए एक साल पूरा होने जा रहा है। हाल ही में निर्देशक अनुभव सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए लिखा, SSR सीजन 2 जल्द आ रहा है। बस फिर क्या, इस ट्वीट के बाद सुशांत के फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए कह डाला कि आपको किसी की मौत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मशहूर निर्माता रयान स्टीफन का निधन। रिपोर्टेडली रयान का निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ है। रयान द्वारा प्रोड्यूस की गई आखिरी फिल्म कियारा अडवाणी स्टारर इंदु की जवानी थी। कियारा अडवाणी से लेकर वरुण धवन तक कई बॉलीवुड हस्तियों ने रयान के निधन पर दुख जताया है। रिपोर्टेडली रणदीप हुडा को कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स CMS यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया है। रिपोर्टेडली रणदीप द्वारा देश की एक प्रमुख महिला नेता को लेकर की गई टिप्पणी पर उठे विवाद के बाद ये फैसला किया गया। उन्होंने मायावती नामक महिला का नाम लेते हुए आपत्तिजनक चुटकुला सुनाया है। रणदीप की वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। लोग इसे सेक्सिस्ट, स्त्री विरोधी और जाति सूचक कहकर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। सोनू सूद ने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए दिन रात एक कर दिया है। हर तरफ उनकी सराहना की जा रही है, पर उनके दूध वाले गुड्डू काफी खफा है। गुड्डू भैया अपना दर्द लेकर सोनू के पास भी गए। इस पूरी बातचीत का सोनू ने एक मजेदार वीडियो भी बनाया है, देखिए। गुड्डू तेरे को नंबर दिया हुआ तो लोगों की बात सुनता है कि नहीं सुनता तू? सर रात को फोन आता है, सुबह सुबह फोन आने लगता है, एकदम 6 बजे उठा नहीं रहो तो भी फोन करते हैं, 4 बजे फोन कर देते हैं, कभी 1 बजे फोन करते हैं। इतना परेशान हो गया, इतना की कहने वाली बात नहीं। तो मेरे को भी तो फोन आते हैं लोगों के, मैं भी तो सुनता हूँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सर आपका जो है अलग दिमाग है, आपको इतना ये है, हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है ना, हम उतना झेल नहीं पाते।
तो कर भी काम, अभी दूध बेचता है तू, मेरा मैनेजर बन के नीचे खड़ा होता है तो फिर दूध पिया कर। आपकी बात मैं मानता हूँ लेकिन इतना मेरे से नहीं होता। हरदम 1 बजे रात को फोन आ जाता है कि ऐसा है ये काम, कुछ काम करते रहता हूँ, हेलो ये सर है कि नहीं, सर कहाँ गए हैं मेरे को अभी बताओ, मेरे को अर्जेंट है, अभी मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, ये करके दे देंगे सर, आप लोग पहुँचाते नहीं, मैसेज ऐसा है वैसा है। तो बेटा लोगों की सेवा तो करनी पड़ेगी ना तेरे को। सर मैं करता हूँ जितना हमसे होता है वो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा ही कुछ हो जाता है। क्या फिर फोन आ गया तेरे को मदद का? वही सब फोन ही फोन रहता है आपका ही, देखो इतने नंबर नहीं कोई। उठा फोन, हेलो, हाँ सर बाद में मिलेंगे तो मैं कॉल करता हूँ आपको। क्या हूँ तो अभी यही काम कर बेटा, तू अभी दूध पानी छोड़ बेचना और अभी यही काम कर लो। सर इतना कॉल आता है कहाँ से? वो बोलता है मैं एक लड़का यहाँ आया मिल के गया, वो बोलता है कि हमारा काम हो गया तो उसका चाचा ने फोन किया,